पाई को नाम नाम की हो के हो। दीदी ये क्या है? ये दाल है क्या है? दाल। अच्छा ये दाल है। पाल में एक चीज देखिए, यहाँ पे बाहर भी रोटी नहीं मिलती ना कहीं? नहीं वैसे बहुत कम लोग खाते हैं ना। सीरियसली मतलब मैंने इतने सालों बाद घर का खाना खाया कि भाई मुझसे रहा भी नहीं गया। आई थिंक अच्छा आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी है तो आपने क्या स्कूल में सीखी थी या कैसे सीखी थी? मेरा परिवार है भाई, बहुत ही स्वीट फैमिली थी, हालांकि इन्होंने मुझे ट्रीट ना बहुत ही बढ़िया से किया। हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल आत्विक जर्नी। काठमांडू नेपाल की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए गया था और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी एक नेपाली फैमिली से। तो उस वक्त उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, तो हालांकि वो डिनर की घड़ी आज आ चुकी है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं अपने होटल रूम से जा रहा हूँ उस नेपाली फैमिली के यहाँ डिनर करने। हालांकि मैं एक घंटे पूरा लेट हूँ क्योंकि आज ही मैं नगरकोट से काठमांडू की ओर आया हूँ। हालांकि मेरे पे ले जाने के लिए कुछ है नहीं, बट मैं वुहान चाइना से एक कैंडी और कुकीज़ वगैरह कुछ लाया था, तो उसमें से मैं एक ये स्वीट्स है कुछ और एक चॉपस्टिक जो चाइना को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको लेके निकलते हैं। ब्लॉक करते हैं हो गया। हालांकि भाई मैं यहाँ से बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे लगता है ना मुझे यहाँ से जाने में करीब एक घंटा तो लगेगा वहाँ पे, बट देखते हैं बाहर चल के गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं। गाड़ी क्या मतलब बाइक बुक करूँगा, बाइक से सस्ता भी है और चला भी जाऊँगा। यहाँ से ना ठीक मतलब अराउंड लाइक 10 किलोमीटर है जहाँ पे पशुपतिनाथ जी का मंदिर था ना उन्हीं के आसपास दीदी रहती हैं। भाई इन ड्राइव से मैंने बुक तो कर दिया, 98 में एक बंदा ले आ रहा है। ओके कर देता हूँ, चलो जी 10 मिनट में आ जाएंगे। और यार बारिश भी भाई अभी आने लगी, मतलब किस्मत देखो ना इतनी बेकार है, जब बाहर निकलो ना तभी बारिश आने लगती है। खैर और यार यहाँ पे जो पठाओ इंटरव्यू वाला सीन है ना एप्लीकेशन का, यार बहुत ही अच्छा है, मतलब रैपिडो से काफ़ी अच्छा है। मतलब आप इस पे ना अपने मतलब ऑफर दे सकते हो कि भाई मैं आपको इतने में ले जाऊँगा या मैं इतने में जाऊँगा, अगर तू जाना चाहते तो हाँ कर दे या ना कर दे। तो ये वाला मेरे को जो पार्ट है ना काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई अपने भैया आ गए हैं। ओके कितना टाइम लगा भैया यहाँ से? हाँ अच्छा चलो ठीक है। भाई इन ड्राइव वाले भैया ने मुझे यहाँ तो उतार दिया। और यार 100 मीटर पे ना भाई गूगल मैप ना बहुत ही गंदा काम करता है, मतलब ऐसे काम करता है जैसे इसने पी रखी हो। खैर दीदी को कॉल करता हूँ, वही मेरे को लेने आएंगे। भाई मुझे ना लेट होना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मैं लेट हो गया वो लोग भी वेट करते होंगे, तो फटाफट उनको कॉल करता हूँ। तो चलो यार लोकेशन पे ना पहुँच के मिलता हूँ, मतलब ऐसे ही किसी के सामने जाते ही यार सामने कैमरा करना अच्छी बात नहीं होती ना, पहले पहुँचता हूँ फिर आपको ही मिलवाता हूँ दीदी से। तो भाई फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे तो आ गया। हालांकि मेरा स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से किया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर मैं आपको भी थोड़ी देर में फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मुझे मतलब आज इतने सालों बाद जाके ना यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं अपने परिवार से मिला हूँ। मतलब कहते हैं ना कि यार सोलो ट्रैवलिंग मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि एक मोमेंट पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं एक नेपाल में एक नेपाली फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ के खाने पर इन्वाइटेड होऊंगा। सो अभी आपको थोड़ी देर में मैं उन दीदी से भी मिलवाता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। अभी वो अंदर किचन में तब से लगे हुए हैं भाई मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग भाई लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत मेमोरेबल बन चुका है ये मोमेंट, हालांकि शायद कभी भूल ना पाऊँ। तो यहाँ पर ये मुझे रिसीव करने आए थे। सो आदित्य आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में पढ़ता हूँ। सो अच्छा और आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन है। और यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं जो कि मम्मी जी इंडिया से ही हैं। आप इंडिया से ही हैं ना वैसे? हम इंडिया से, बिहार से। मम्मी जी बिहार से हैं। और हाय तो ये बड़ा शर्माती हैं। तो यार नेपाल की एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पे मतलब भले ही लोग हिंदी बोल ना पाए लेकिन समझ पूरी लेते हैं, हिंदी में बातचीत हो जाती है। और आई थिंक अच्छा आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी है तो आपने क्या स्कूल में सीखी थी या कैसे सीखी थी? नहीं, मैं एक इंडियन स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा तो वहाँ के अंदर है। तो वहाँ पे आपको हिंदी सिखाई गई थी या मतलब सुनते सुनते सीखी है? नहीं सिखाई भी गई थी, वन फैक्टर इज मैं हिंदी कार्टून बहुत। और मम्मी जी तो हिंदी में बात करती होंगी तो आपको तो वैसे भी आ जाता है? नहीं आप नहीं, हम तो इन लोग से नेपाली में ही बात करते हो। और आपको हिंदी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। और हाय अब जैसे भाई मैं कैमरा कर दूंगी भाग जा रहे हैं। ओके सो नहीं हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी है, मतलब लग नहीं रहा कि मतलब मैं एक नेपाल में हूँ या नेपाली फैमिली से, मतलब एकदम इंडिया वाली वाइब्स आ रही है। ऑब्वियसली मतलब दोनों कंट्री सेम ही है, कोई फर्क तो है नहीं, बट आप लोग हिंदी एकदम परफेक्ट बोल लेते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं 11th में। और आप? मैं 9th। और आप इंट्रोड्यूस करोगी?
सो भाई आज इस वीडियो की जो मेन कैरेक्टर है ना वो हमारी दीदी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया। हालांकि जो दीदी है ना वो भी बहुत कैमरा सा पर्सन है तो वो कैमरे के सामने ना इतना आती नहीं है, बट मैं उनको ट्राई करूंगा व्लॉग में लेने की। हालांकि अभी खाने पीने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बस यही है यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक फीलिंग जो होती है ना अंदर से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मैं। भाई मुझे ये तो नहीं पता कि दीदी व्लॉग में आएंगी नहीं आएंगी, बट मैं आपको दीदी दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे को दीदी की ना फोटो मिली है जो कि ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो है। सो जो दीदी है ना जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, जो हमारी वीडियो की मेन कैरेक्टर है आज की, सो वो ये दीदी है। सो हालांकि दीदी किचन में कुकिंग के लिए बिजी हैं। सो भाई एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है क्योंकि इतने महीनों नहीं सालों बाद मतलब एक इंडियन खाना जो घर का बना हुआ होता है वो खाऊंगा। सो खैर वेट करते हैं। नेपाली में मतलब नाम पूछना हो तो कैसे पूछते हैं? अगर आपको नेपाली में नाम पूछना हो तो तपाईको नाम के हो के हो तपाईको नाम तपाईको नाम के हो। ओके सो हाय तपाईको या इट्स टंग ट्विस्टेड काइंड ऑफ तप। हाँ जी मम्मी। ओके सो भाई अपना खाना आ चुका है फाइनली। सो स्मेल ना बहुत ही अच्छी आ रही है, मतलब जब आप कुकिंग कर रहे थे ना किचन में तब से मतलब मेरे को ऐसा होता था कि मतलब बहुत बढ़िया खाना बन रहा है। सो भाई अपना खाना तो अपने सामने आ चुका है। हालांकि पेट में ना चूहे कूद रहे, रुका जा नहीं रहा बिल्कुल भी, मन कर रहा है कि अभी जाके खा लूं क्योंकि मैंने दोपहर को लंच भी नहीं किया। तो फटाफट खाना खाते हैं और फिर आपको मिलता हूं, मतलब खाना खाने के बाद मिलता हूं, फिर आपको मतलब पूरी फैमिली इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं। अच्छा दीदी ये क्या है? ये दाल है क्या है? अच्छा ये दाल है। ओके सो अपने पे दाल भी है चावल भी। अच्छा मैंने नेपाल में एक चीज देखी है, यहाँ पे बाहर भी रोटी नहीं मिलती ना कहीं? मिलती नहीं, वैसे बहुत कम लोग खाते हैं ना, नेपाली लोग चावल ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा खाते हैं क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में मांगा तो नहीं रोटी नहीं खानी। मैं बता दूं जैसे यहाँ पे मैंने रोटी कहीं देखी, हाँ मतलब अगर दिन में तीन बार खाना बनता है जैसे एक घर में तो रोटी नहीं बनती, जैसे हम लोग अपना अपना घर होता है तो बना लेते हैं ना, तो नहीं वैसे आप लोग वैसे रोटी खाते हो? नहीं खाते। अच्छा खाते हो? नहीं मुझे लगा जैसे नेपाल में रोटी खाई नहीं जाती। अच्छा हाँ तो हाँ वो कम खाते होंगे, बहुत कम खाते होंगे। हाँ तो हाँ अब रोटी ये तो है तो खाना खाते हैं वही, वरना खाना ठंडा हो जाएगा बातों में ही। ये स्टाइल का आलू अचार, आलू टमाटर तो नहीं है ना? नहीं आलू अचार, आलू अचार लाइक ए टिपिकल नेपाली फूड लाइक ये आलू अचार एंड दिस साग। अच्छा ये साग और ये आलू अचार। अच्छा मुझे लगा पहले ये आलू टमाटर की सब्जी है। नहीं ओके फेवरेट है आलू टमाटर की सब्जी। नहीं नहीं दिखने में ऐसा लगा, ये हरा था दिखाना मुझे तो ऐसा लगा बट अच्छा है। हाँ अच्छा चलो पहले ये ट्राई करता हूँ। सो भाई ये आलू अचार और चावल, आलू अचार चावल। अच्छा टेस्ट है, थोड़ा तीखा है क्योंकि शायद मैंने मिर्च खाई है और वो आपके चलते हम कम में तीखा नहीं खाते। नहीं खाता हूँ मैं, स्पाइसी खाता हूँ पर अच्छा लग रहा है मतलब। पर ये मैंने पहली बार खाया, मतलब इससे पहले नहीं खाया। इंडिया के लोग को इतना नहीं मालूम है, हम लोग भी जाते हैं बिल्कुल नहीं पता। हाँ लोग बनाते हैं वहाँ पे, वो लोग को बहुत अच्छा लगता है। हाँ 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 फ्लोरा बोलते हैं। अच्छा फ्लोरा यहाँ पर भी वो नेपाली लोग हैं। नहीं बट इंडिया में तो मैंने मतलब ये कभी देखा नहीं ऐसे की इसकी फ्लोरा। हाँ मालूम है सब्जी वगैरह बनती है उसकी या चार में जो गोल गोल होता है छोटा छोटा। हाँ 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 उसका नहीं, नहीं मतलब वैसे घर में नहीं बनाते बट बाहर से हाँ आ जाता है। यहाँ पे फिर नेपाली लोग को बाहर से आता है तो ये चीज मतलब नेपाल की डिश है ये। साग भी नेपाली है। तो भाई आज नेपाली खाना खाते हैं। भाई मैंने खाना पीना तो खा लिया और हालांकि ओवर ईट कर लिया, इतना मतलब इन लोगों ने इस तरह से खातिरदारी करी ना मेरी की
पूछो मत। और सीरियसली मतलब मैंने इतने सालों बाद घर का खाना खाया कि भाई मेरे से रहा भी नहीं गया। और मैंने दोपहर को ना कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए, क्योंकि मेरे को आज डिनर पे आना था यहाँ पे, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। तो खैर अब आपको ना यहाँ पे मैं फैमिली से मिलवाता हूँ जिनके यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और भाई लिटरली ये लोग ना बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि मेरा नेपाल का एक्सपीरियंस ना पूरा ही बदल गया। एक था ना कि पहले मैं नेपाल को जब भी सोचता था ना तो मेरे मन में आता था कि भाई नेपाल में घूमने की जगह काठमांडू है, माउंट एवरेस्ट है। बट अब कभी भी मैं नेपाल के बारे में सोचूंगा ना तो मुझे ये परिवार याद आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक एक करके मिलवाता हूँ। आपको बोला था ना जो दीदी हैं, जो मेन है, शर्माती बहुत हैं। यहाँ पे बैठे हैं इन दीदी ने मुझे पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ पे मिले थे, तो मेरे को इन्वाइट किया था। आपने वो ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा। तो दीदी आप हाय, कैसे हो आप? हेलो एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इनवाइट किया एंड सीरियसली यू मेड माई डे। क्योंकि मैंने इतने दिनों बाद एक परिवार वाली फीलिंग मिली मुझे भी अपनापन लगा, इसलिए मैंने इनवाइट किया। और आप कैसे हो? हाय हाय वंदिनस, हाय वंदिनस, शर्माते हो तो मेरी बेटी बहुत शर्मिली है ना, बिल्कुल। हेलो वंदिनस, हाय। ओके हाय हाय कर दो, दादाले ब्लॉग में लिदे हुन्छ, छिटो छिटो भन्दिनुस। हेलो भन्दिनुस, गुस्सा हो, हाय भन्दिनुस, हाय भन्दिनुस न। आपको अब यहाँ पे ना बोलूं, आप मिलवाता हूँ मैं बुआ से। हाय बुआ, कैसे हो? हाय। और कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा। हालांकि बुआ ने आज खाने में सलाद काटा था ना। भाई बाकी सब चीज़ें ना मम्मी जी ने बनाई हैं। हालांकि मम्मी यहाँ पर है नहीं अभी रूम में, मम्मी अंदर किचन में खाना खा रही है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और दीदी ने मतलब चॉपिंग वगैरह में हेल्प करी है, बस खाना बहुत ही बढ़िया बना था एकदम। मतलब चिकन जो था ना एकदम भाई घर वाला बना था, जैसे मैं घर पर कभी खाया करता था। और हालांकि अब आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ पर, ये हैं। हाय, आपका नाम आदित्य है? और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं भूल गया। अमन। अमन। सो ये एक छोटा सा परिवार है भाई जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। ये पूरा परिवार है और भाई बहुत ही स्वीट फैमिली थी। हालांकि इन्होंने मुझे ट्रीट ना बहुत ही बढ़िया से किया। और कहते हैं ना कि भाई आप निकले होते हो कहीं और के लिए, बट आपको भी नहीं पता कि दिन के आखिरी में आप कहाँ जाओगे। तो इस वक्त मैं कुछ यहाँ पर हूँ। तो ये एक ऐसा परिवार है जिन्होंने भाई आज का मेरा दिन बना दिया। तो खैर 12 बज गए हैं और ये भी काफ़ी लेट हो जाएंगे मेरी वजह से। तो भाई खाना पीना हो गया, तो अब चलते हैं और इस परिवार को बोलते हैं अलविदा। आई होप अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और फिर दोबारा एक डिनर या लंच साथ में करेंगे। तो भाई उस स्वीट सी फैमिली को बोल के मैं अपने होटल रूम पे आ गया। हालांकि मेरा आने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि भाई एक दो घंटा और रुकूँ परिवार के बीच में बातें करूँ, लेकिन टाइम की कमी के चलते भाई मुझे आना पड़ा। हालांकि मैं गया तो 8 बजे था, लेकिन इस वक्त टाइम हो रहा 12 बज चुके हैं। तो आप समझ सकते हो 4 घंटे मतलब ऐसे बीत गए जैसा लग रहा है 10 मिनट में कि अभी मैं होटल रूम पे आना। आई वाज लाइक कि अभी यार 10 मिनट पहले ही मैं गया था। तो यार परिवार बहुत ही अच्छा था, हालांकि उन्होंने मुझे ट्रीट बहुत ही बढ़िया से किया। और भाई मम्मी जी ने जो चिकन बनाया था ना और एक और आलू अचार, आई थिंक मैं नाम गलत बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर मैं सही बोल लूँगा गलत बोलता हूँ। सो भाई ये नेपाली डिश थी और बहुत ही अलग ही टेस्ट था, मैंने पहली बार खाया था और बहुत मस्त बना था। सो भाई पूरा परिवार बहुत ही बढ़िया था। हालांकि कहते हैं ना यार जब आपके साथ कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं ना ऐसा कुछ होता है, सो उस जगह ना देखने का नज़रिया बदल जाता है। पहले कभी भी मैं नेपाल के बारे में सोचता था ना तो वही होता था कि बड़े बड़े पहाड़ और हाइकिंग ट्रैकिंग, लेकिन अब जब भी कोई नेपाल का जिक्र करेगा तो मुझे ये छोटी सी क्यूट सी नेपाली फैमिली याद आएगी कि भाई उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया था और हमने एक लवली टाइम स्पेंड किया था। खैर जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भाई उन्हें छोड़ के जाना भी पड़ता है, तो वही वाला मोमेंट इस वक्त हो गया कि भाई मेरा वहाँ से आने का मन नहीं करता था। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो उस फैमिली से जरूर मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं और उस फैमिली के लिए ना आप एक लवली सा कमेंट कर दो। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल आदिक जर्नी। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माई यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, हैव फन।